कराने में है और पुलिस को सिर्फ जो निवार है उसकी रक्षा करने में उसकी सारी एनर्जी जाती है। तो अगर आप लोग रहेंगे तो मंदिर परिसर में जो लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जब सभी द्वार खोल दिए गए हैं तो निश्चित रूप से लोगों का प्रवेश बढ़ जाएगा और लोग चाहेंगे कि निकास द्वार से भी उनको प्रवेश मिल जाए। तो मेरा अनुरोध होगा, काफी सहयोग रहा है कई दिनों से, दिन रात एक कल्याण इस कार्यक्रम देवघर का अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट आपसे विशेष आग्रह है कि कृपया मंच के करीब आ जाए हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अब मैं चाहूंगा कि हमारे दो बच्ची नंदनी और उनके साथ पल का सम्मान होने हैं, तो मैं डॉक्टर एनडी मिश्रा सर से बोलूंगी कि सर वो प्लीज आगे आए और इनको सम्मान देने के लिए कृष्ण का माला और सहयोग कर रहे हैं गुड्डी झा जी, साथ में एक तस्वीर बाबा बद्रनाथ के खूबसूरत गीत के श्री जी मानस जी जो और इसी के साथ औपचारिक तौर पर सेवा का आगाज शुभारंभ होते हुए माननीय विधायक महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय एसडीएम साहब और तमाम अतिथियों की उपस्थिति में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं निश्चित रूप से तालियों से। और आज इसी के साथ सेवा बाबा बद्रनाथ की नगरी कैलाश की देखिए यहाँ एक सेवार्थ संस्था की स्थापना की गई है जिसके अध्यक्ष पवन कर्तव्या जी, और देवघर जो है झारखंड ही नहीं बल्कि देश की आध्यात्मिक राजधानी है। बनारस के बाद देवघर का स्थान, और हमने वैश्विक आपदा से लड़ने का काम किया कोरोना बीमारी फैलने के लिए। जो बीमारी अगर नज़र आ जाए तो उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, यदि दुश्मन सामने हो और वो दिखाई दे तो उससे हम लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन दिखाई नहीं दे तो उससे लड़ाई करना मुश्किल है। इसलिए आज शेवार के सभी सदस्यों के साथ इसका लॉन्चिंग हुआ। मेरी बाबा वैद्यनाथ से कामना है कि अच्छा उत्कृष्ट काम करे और देवघर को ही गति देने का। और इसमें यही जो तीनों चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं और जो हम नहीं कर रहे हैं, तो सेवार्थ जो आज इसका गठन हुआ है, तो मेरा अनुरोध होगा कि सेवार्थ कि अब लोगों की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को फिर से एक बार जगाने की ज़रूरत है, उनको फिर से मास्क के प्रयोग के बारे में फिर से बताने की ज़रूरत है और वो बताने की आवश्यकता मैं निश्चित रूप से महसूस कर रहा हूँ। मैं कल परसों मैंने मंदिर में भी उसके दोनों जो बचे गेट थे उसको भी खोलने की व्यवस्था मैंने कर दी, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है और साथ में पेट की भी समस्या है, जीवन कैसे जिए लोग, क्योंकि सरकार सब दिन आपके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती और न समाज ही सबको लेके हर गरीब के घर खाना पहुंचा सकता है। तो वहाँ बहुत से पेरा वाले हैं, बहुत से पंडे लोग हैं, सब समाज के बहुत से लोग हैं जो उस मंदिर पर जीवन जीते हैं और देवघर का नाम भी उस मंदिर के चलते ही है और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज बाबा ही हैं और उन्हीं के कृपा से और उन्हीं की दया से सब लोग यहाँ पर हैं और फल फूल रहे हैं। तो वहाँ भी मैं सेवार्थ से भी अनुरोध करूँगा कि उनके भी कुछ मेंबर, हालांकि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं खुद भी सेवार्थ में, आपने हमको जोड़ा है, तो आप लोग भी कुछ लोगों को वहाँ पर भेजें और देखें कि लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन क्योंकि सरकार का गाइडलाइन था कि अगर हम एक निश्चित सीमा में लोगों को रखते हैं तो ऑनलाइन करने की आवश्यकता होगी, अर्घा लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल जो कोरोना का कहता है कि आप टच नहीं कर सकते हैं कोई चीज़ की। हालांकि लोगों की परम इच्छा रहती है कि भोला बाबा यहाँ पर जो है वो छूने से ही उनकी साधना होती है और वो आशीर्वाद उनका मिलता है, तो लोगों को ये
हमेशा से मांग रही है और हमेशा मांग रहेगी कि उन्हें छूने की इजाज़त दी जाए, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल मना करता है इसलिए हम लोगों ने उसको अभी भी अर्घ्यात सिस्टम उसमें लगा रखा है। तो वहाँ पर जो भी भीड़ लगती है, तो मेरा सेवास के लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो लोग भी कृपया कुछ लोगों को वहाँ पर दें, ताकि वहाँ पर लोगों को व्यवस्थित करने में हमारी मदद हो सके, क्योंकि वहाँ जो भी रहते जाते पुलिस फोर्स है और पंडा जी लोग हैं, तो पंडा जी लोग की व्यवस्था अपने पूजा कराने में है और पुलिस को सिर्फ जो निवार है उसकी रक्षा करने में उसकी सारी एनर्जी जाती है। तो अगर आप लोग रहेंगे तो मंदिर परिसर में जो लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जब सभी द्वार खोल दिए गए हैं तो निश्चित रूप से लोगों का प्रवेश बढ़ जाएगा और लोग चाहेंगे कि निकास द्वार से भी उनको प्रवेश मिल जाए। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग कुछ व्यक्तियों को दें, ताकि हम लोग उनको व्यवस्थित कर सकें।